हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिप्रा और आज मैं ये लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से ये लुक मैंने क्रिएट किया है और ये जो लुक है ना, आप विंटर में बहुत ही इजीली कर सकेंगे। एकदम से आपका फेस जो ग्लॉसी ग्लॉसी सा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला मेकअप करने के बाद, क्योंकि मैंने एक सीक्रेट इसमें ऐड की है इस वजह से, जो कि आगे आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्या आप लोगों को देखना है वो भी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और मैं अपने चैनल पे मेकअप DIY प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करती रहती हूँ, और आप लोगों को क्या देखना है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जॉय का मॉइस्चराइजर, और ये जो मॉइस्चराइजर है ना, काफ़ी अच्छा से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये जो मॉइस्चराइजर विंटर के लिए बेस्ट है, अगर आप मेकअप करते हो तो काफ़ी अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज करता है। एकदम से बजट में भी है, जो कि ये पैक छोटा सा पैक जो है 10 रुपीज में आता है। तो अभी सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल, और विटामिन ई के कैप्सूल आपको इजीली लोग मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। तो एक मैं विटामिन ई के कैप्सूल ले रही हूँ, जो कि विंटर में काफ़ी अच्छा आपका स्किन में काम करता है। और हाँ, साथ ही साथ आपका स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है। मैंने इसका जितना भी ऑयल था पूरा ऑयल ले लिए हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आप समर में कर रहे हैं ना ये मेकअप, तो 2 से 3 ड्रॉप ऑयल ले, एकदम से ज़्यादा ऑयल ना ले, 2 से 3 ड्रॉप ले। और अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप ले सकते हैं, बट 2 से 3 ड्रॉप में आई थिंक हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली है, तो मैं अभी विंटर टाइम इस वजह से मैंने पूरा ऑयल लिए है ताकि मेरा फेस जो एकदम से ग्लॉसी ग्लॉसी होकर रहे, मेरा बेस जो है बेस एकदम से ग्लॉसी होकर रहे। बेस सही रहेगा ना तो आपका मेकअप सही रहेगा। इस वजह से बेस को सबसे हमेशा ही आपको सही करके रखना है। और ये जो ऑयल है आपका बेस जो है उसको वाटरप्रूफ भी बनाए रखेगा। आप अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं हैंड पे लेकर, बट बहुत ही अच्छा से बेस जो है वाटरप्रूफ बना के रखेगा। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिए है, और इसके ऊपर से मैं आज प्राइमर वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करूँगी, बस इसी के ऊपर से मेकअप अप्लाई कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छा से इसके ऊपर से काम करता है फाउंडेशन वगैरह, जो कि आप लोगों को आगे दिखेगा। तो चलिए फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। मैं लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इजीली। तो मैं इसी से अभी आपका पूरा मेकअप लुक दिखा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी फाउंडेशन आप अपना मनपसंद का ले सकते हैं, बट मैं अभी इसको अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो फाउंडेशन है लाइट कवरेज देता है, अगर आप ज़्यादा कवरेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डबल वाला फाउंडेशन अप्लाई करें, जिससे आपका फेस जो है एकदम से कवर कर देगा, जो कोई भी स्पॉट वगैरह रहेगा तो अच्छे से कवर कर देगा। तो इसको मैं फिंगर के से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, एंड मैं अंडर आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ अपनी। अब इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर के से इसको मैं पूरा ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ध्यान रखिए, जब भी फाउंडेशन ब्लेंड करे ना, तो इसी तरीके से डैम 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 करते हुए ब्लेंड करे, तो कि अच्छे से स्किन में जो होता है ब्लेंड हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता फाउंडेशन आप अलग से अप्लाई किए हैं, तो ये सब बात को एकदम से ध्यान रखना है। जब भी आप मेकअप करते तो अच्छे से ब्लेंड करें। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मी 925 की CC क्रीम। मैं अपनी अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, थोड़ा सा क्यूपिड को जो है हाईलाइट करने के लिए ये कंसीलर ले रही हूँ, सॉरी CC क्रीम ले रही हूँ एज अ कंसीलर। तो मैंने आई के नीचे जो है ट्रायंगल शेप में अप्लाई किए हैं, एंड मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे ब्रिज ऑफ द नोज, ताकि मेरा फेस जो है ये सब जगह पे थोड़ा सा लाइट पड़े, तो थोड़ा उबड़ा हुआ लगे, जो कि मेरा अंडर आई वगैरह दबा हुआ ना लगे। इस वजह से कंसीलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब
अब मैं एडीएस का कंसीलर पैलेट ये वाला कलर लेकर मैं अपनी फेस को कंट्रोल कर रही हूँ। यहाँ पे जो लाइन देख सकते हैं कंट्रोलिंग किए हैं, तो कैमरा में उतना ज्यादा कैच नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पे किया है जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। तो मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर कल से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। नोज को मैं फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब लैक्मे का ये जो कॉम्पैक्ट है, इसके हेल्प से मैं पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। और ये कॉम्पैक्ट मैंने लोकल शॉप से लिए थे, और इसका जो भी नाम वगैरह है मिट चुका है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पा रही हूँ। तो इसके हेल्प से मैं सेट कर रही हूँ पूरे फेस को। अब मैं पॉन्स का ये वाला पाउडर लेके मैं अपने अंडर आई पे अप्लाई करेंगे। फ्लैट ब्रश कल से मैं अपनी अंडर आई पे अप्लाई कर ले रही हूँ। पाउडर अप्लाई कर लिए हैं, और पाउडर का जो है अभी डस्ट नहीं करेंगे, पहले आई मेकअप कर लेंगे, उसके बाद क्लीन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं आई मेकअप, उसके बाद आई फेस का जो भी बचा हुआ मेकअप रहेगा उसको बाद में करेंगे। एलिगल प्रो का ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, मिनी आई शेडो पैलेट, जो कि एकदम से ट्रैवल फ्रेंडली है। तो इससे से एकदम से मैं ये वाला कलर अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन कलर। मैं अपनी इसको अपने पूरे आईलिड पे ही अप्लाई करना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये जो पिंक कलर है, इसको ले रही हूँ, जो कि लाइट पिंक है, और मेरा ड्रेस पिंक एंड गोल्ड में है, तो मैं पिंक एंड गोल्ड का एक कॉम्बिनेशन कर अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो। पिंक को मैंने आउटर कॉर्नर पर डैब डैब किया, एंड देन इसको अपने पूरे आईलिड पे ही अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैं सेम पैलेट से ये वाला डार्क कलर ले रही हूँ। तो एकदम धीरे धीरे से मैं डैब डैब कर रही हूँ, और सर्कुलर मोशन में जो है ब्लेंड कर ले रही हूँ। और हाँ, आप लोग जब भी मेकअप करें ना, आई मेकअप पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे, मतलब पूरे फेस मेकअप पे भी टाइम देना है, बट आई मेकअप पे भी अच्छे से टाइम देना है। अच्छे से धीरे धीरे से आई मेकअप करना, उससे आपका मेकअप जो है उभर के आएगा, क्लीन होगा, आएगा अच्छे से ब्लेंड होगा, तो आपका मेकअप जो है अच्छे से क्लीन लगेगा। इसी वजह से आप आई मेकअप को अच्छे से टाइम दें। और सेम पैलेट से मैंने ब्लैक कलर आई शेडो लेकर अपने आउटर कॉर्नर पे डैब डैब करते हुए मेरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मेरा आई शेडो जो है थोड़ा सा डार्क कलर में आए। इसी वजह से कलर जो है थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, इस वजह से मैंने ब्लैक कलर ऐड किया है इसमें। अब मैं लैक्मे का सेम सीसी क्रीम लेके अपनी थोड़ा सा क्रीज लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा कट क्रीज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इधर मैं सिमर आई शेडो अप्लाई करूंगी। इस वजह से मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो भी सिमर अप्लाई करूँ वो उभर के आए। इस वजह से एकदम हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ मैं, ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एकदम से मुझे क्लीन शेप नहीं देना है। बस शिमरी आई शेडो का जो है कलर मुझे उभर लाना है, इसी वजह से मैं उसको अप्लाई कर ले रही हूँ। तो मेरा आई शेडो देख सकते हैं इधर से थोड़ा सा कट हो चुका है, बस इसी तरीके से मैं थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ। ये वाला आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जो कि सिमरी आई शेडो है, एडीएस का आई शेडो पैलेट है। इससे मैं गोल्ड कलर लेके अपनी जहाँ पे क्रीज लाइन ड्रॉ किया हूँ वहाँ पे अप्लाई करेंगे। गोल्ड कलर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसको मैं फिंगर टिप पे ही लेकर अप्लाई करेंगे। और जब भी सिमरी आई शेडो अप्लाई करते हैं ना, इस तरीके से अगर आप फिंगर टिप पे लेकर अप्लाई करते हैं ना, तो उसका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इस वजह से मैं अभी फिंगर से ही ले रही, ताकि इसका पिगमेंटेशन पता चले उभर के आए इस वजह से। एंड मैं सेंटर ऑफ द लिफ्ट पे अप्लाई करूँगी, मेरा कलर देख सकते हैं आप। मैं इस आई शेडो के ब्रश स्किल से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ताकि कोई भी लाइन जो है ना दिखे। तो मैं मिडिल में नहीं ब्लेंड कर रही हूँ, जितना मेरी आउटर साइड है ना उसको ब्लेंड कर रही हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से जो है आपस में घुल जाए। पिंक को गोल्ड के साइड कर रही हूँ, एंड गोल्ड को पिंक साइड कर रही हूँ, ताकि दोनों भी घुल मिल जाए, दोनों में कोई किसी का भी लाइन ना पता चले इस वजह से। अब मैं ये लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ, और मैं थोड़ा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी।
और लाइनर मैं जब भी अप्लाई करती हूँ ना, एकदम धीरे धीरे से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अभी लाइनर बिखर जाएगा तो पूरा मेकअप जो फिर से मुझे करना पड़ेगा। इस वजह से मैं एकदम धीरे धीरे से लाइनर अप्लाई करती हूँ। कभी भी मैं लाइनर और मस्करा वगैरह जो है हड़बड़ी में नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो सब अगर बिखर जाए ना तो ख़राब हो जाएगा, मेकअप जो है ख़राब लगने लगेगा इस वजह से। उसके बाद मैंने आईलैशेस कलर गेल से आईलैश को कर्ल कर लिए हैं। उसके बाद मैं मस्करा अप्लाई कर रही हूँ जो है ब्लू हेवन का। और हाँ, काजल अप्लाई करने से पहले मैं लोअर लैश लाइन पे पिंक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो है मेरा आई तो है थोड़ा सा बड़ा लग दिखे। इस वजह से मैं थोड़ा सा पिंक आई शेडो अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं NYN का काजल अप्लाई कर रही हूँ। लैश लाइन एंड वाटर लैश लाइन दोनों पे अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा मैं ब्लैक आई शेडो लेकर अपनी काजल को स्मच कर लेंगे। सेम ब्लू हेवन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे। मेरा दोनों आईज पे आप डिफरेंस देख सकते हैं मैंने लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई करने के बाद। उसके बाद मैं ADS का आईब्रो पेंसिल केल से मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। और हाँ, ये सब दिखाना मैं भूल गई थी, इस वजह से आप लोगों को वॉइस ओवर में बता दे रही क्या क्या अप्लाई कर रही है। और हाँ, एकदम से लाइटली मैं अप्लाई कर रही, एकदम से डार्क नहीं कर रही मेरा। आज मेरा आई मेकअप जो है डन हो चुका है। अब मैं अपना जो भी एक्सेस पाउडर अप्लाई किए थे उसको अब डस्ट कर लेती हूँ, रिमूव कर ले रही हूँ। सो मैं इस पैलेट से व्हाइट कलर लेके अपने ब्राउन बोन पे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा, और सेम पैलेट से मैं ब्लश भी अप्लाई करूँगी अपने ब्राउन बोन को हाईलाइट करने के। यहाँ थोड़ा सा मैं अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि मेरा ब्राउन बोन जो क्लीन लगे। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, और ब्लश अप्लाई करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसको अप्लाई करने के टाइम में स्माइल करके अप्लाई करना पड़ता है। इस वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता मैं है इसको एकदम अप्लाई से करने हल्का में। हल्का अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एकदम से हल्का हल्का मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी की हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, तो ब्रश स्केल से ही अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन के नीचे। नोज पे मैंने फिंगर कर से ही अप्लाई कर लिए हैं। NYN का मेरून लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। और लिपस्टिक का कलर जो काफ़ी अच्छा कलर है, और हाँ, इसका मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हो। और कलर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में लिपस्टिक का कलर, एकदम से वेलवेट मैट लिपस्टिक का कलर है, तो बहुत ही अच्छा लगता है अप्लाई करने सो गाइस के मेरा बाद। और मेकअप जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब सिर्फ मुझे अप्लाई करना मेकअप फिक्सर, तो मैं भी अप्लाई कर रही हूँ ब्लू सॉरी वह भी उठे की मेकअप फिक्सर। फिक्सर अप्लाई करने के बाद मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से जो है इस तरीके से डैब डैब कर दे रही हूँ, ताकि मेरा फेस एकदम से सेट हो जाए। मैं अपनी ज्वेलरी और हेयर स्टाइल करके मिलती हूँ आप सभी से। और ये रहा मेरे फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला मेकअप लुक। और विंटर में ना काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके से, अगर आप मेकअप करेंगे ना एकदम से ग्लॉसी ग्लॉसी होकर रहेगा। आप चाहो तो इस मेकअप को आप समर में भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका से मैंने ये मेकअप क्रिएट कर दिए। गाइस कैसा लगा मेरा ये मेकअप लुक कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।